हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ और एक पकोड़े का रेसिपी शेयर करूंगी। और इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, कलौंजी, अदरक लहसुन का पेस्ट और दो सूखी लाल मिर्च। और मुझे चाहिए लाल साग। और मुझे चाहिए चावल का आटा। और इसे फ्राई करने के लिए मुझे चाहिए ऑयल। तो पहले मैं बैटर बना लूँगी। और बैटर बनाने के लिए पहले मैंने लिया है चावल का आटा। उसके बाद मैं इसमें जो अदर्स इंग्रेडिएंट्स है इसमें मैं ऐड करूँगी। तो पहले मैं दे रही हूँ हल्दी पाउडर। नमक। कलौंजी। हरी मिर्च। उसके बाद मैं ऐड करूंगी अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। और ये जो दो सूखी लाल मिर्च थी उसे मैंने क्रश करके इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी होगी। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। ये जो बैटर है ये एकदम रेडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल साग और उसे बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो कढ़ाई पे मैंने ऑयल दे दिया है। और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने जो लाल साग से मिक्सचर बनाया था उसे मैं इसमें एक एक करके छोड़ दूँगी। अब इसे दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई करूंगी। ये जो लाल साग की पकौड़े है ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो पकोड़ा है ये एकदम रेडी हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल लूँगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हो। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड पे जो बेल बटन है उसे आप ऑन करके रख दीजिए। तो मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।